हेलो स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो हम लास्ट डेट ये पद्यांश उषा आ रही है हमने पढ़ा था, उसका व्याख्या और शॉर्ट क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। तो आज हम ब्रॉड क्वेश्चन यानी लेखनी हाथ में है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उषा के माध्यम से कवि जीवन के लिए क्या संदेश देते हैं? तो उत्तर, दुख के बाद सुख आता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रात निराशा का प्रतीक है जबकि दिन सुबह आशा, उमंग और रचनात्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा लोगों के मन में किस प्रकार जोश भरती है? तो उत्तर, उषा लोगों के मन में अपने सपनों, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प भरती है। नेक्स्ट, रात और सुबह के समय की दृष्टि में क्या अंतर है? रात में सृष्टि के ऊपर अंधेरा छाया था जो उषा की लाली से दूर हो गया, उषा के प्रभाव से दृष्टि साफ हो गई। नेक्स्ट, जिंदगी के अंगड़ाने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर, सुबह प्रारंभ का संकेत करती है, रात को निद्रा में डूबे लोग सुबह सक्रिय होकर अपने कार्यों में जुट जाते हैं, जिंदगी के अंगड़ाने से कवि का यही आशय है। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनकर टिक चिन्ह लगाइए। तो इसमें बच्चों, उषा क्या संदेश लेकर आती है? तो उषा जीवन शुरू होने का संदेश लाते हैं। नेक्स्ट, उन्हीं की प्रभा मन लहरा रही है, इस पंक्ति में उन्हीं की किसके लिए कहा गया है? उन्हीं की, तो ये नए सपनों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे समाज के धागों में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट कवि है, बोला है कि कवि ने उषा का मानवीकरण किया है, वो कौन कौन से मानवीय क्रियाकलाप कर रही है, कविता से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर आएगा, यहाँ पे देखिए ये उषा आ रही है, पद्यांश है, तो इसमें कवि ने ये मानवीकरण का क्रियाकलाप लिखा है, जगाती, हंसाती, खिलाती, बुलाती, गुदगुदाती और मुस्कुराती, ये क्रियाकलाप का बात किया गया है ये पद्यांश में। नेक्स्ट, जीवन की सुबह और जीवन की शाम से क्या तात्पर्य है? और दिनों की तुलना करते हुए पांच वाक्य लिखिए। तो ये जो फास्ट है ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट जो नेक्स्ट, ये दिनों की तुलना करते हुए पांच वाक्य लिखिए है, ये आपका होमवर्क में है, ये आपको करना है खुद से। तो ये फास्ट जो है क्वेश्चन, इसका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका उत्तर है, जीवन की सुबह का अर्थ है बचपन अथवा जब जीवन शुरू ही हुआ है, जबकि जीवन की शाम का अर्थ है वृद्धावस्था, जब उम्र ढलने लगती है। ओके, नेक्स्ट है शब्द संक्षण। तो सबसे पहले है वर्ण विच्छेद, तो हम जान लेंगे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, इसमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा जाता है। उदाहरण, पुस्तक, प प्लस छोटा ओ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस ओ। तो नीचे भी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है, ये आपको होमवर्क में घर से खुद करना है। देखो प्रभा, तो प्र 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 त
तो प प्लस र प्लस अ, फिर भा तो यहाँ पे भ प्लस आ तो क्या हुआ प्रभा। बाकी ये आपको खुद से करना है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग शब्द के अर्थ में अंतर ला देता है। वर्ग के पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग होता है, जैसे अंडा। तो ये देखिए यहाँ पे अंडा, ये अनुस्वर अ और ड के बीच में हुआ है। फिर संभव, तो यहाँ पे श और भ के बीच में ये अनुस्वर प्रयोग हुआ है, संभव। नेक्स्ट, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु होता है, ये रहा चंद्रबिंदु। जैसे हंसना, तो आप उच्चारण करके देखिए, आपको लगेगा ये नाक से सुर आ रहा है आपका। यदि शिरोरेखा पर किसी स्वर की मात्रा लगी हो तो वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदी लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं, तो यहाँ पे ऊपर मात्रा लगा है, यहाँ पे इसीलिए चंद्रबिंदु नहीं लगा है, क्योंकि इसके ऊपर मात्रा लगा है, इसीलिए यहाँ पे ये बिंदी दिया हुआ है। ओके, फिर मे में भी ऐसा देखिए, ऊपर मात्रा है इसलिए यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है। ओके नेक्स्ट, ऐसे दो शब्द चुनिए जिनमें अनुस्वर और अनुनासिक के प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे हंस एक पक्षी है, हंस एक क्रिया है। उत्तर यहाँ पे और भी आपको मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। ओके, चंद, तो यहाँ पे ऊपर चंद्रबिंदु का पूरा मात्रा लगा है तो चांद। मंद तो मांद, अंक आंख, बंद तो बांध। ओके, अब लोग ये मत सोचिए मैम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया, ये व्याकरण है, सबसे पहले आपको व्याकरण जानना है तो ही आप लोग शब्द गठन कर पाएंगे। मैं जो समझा रही थी ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके नेक्स्ट, ये है पर्यायवाची शब्द, तो आपको आप सबको पहले जानना चाहिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थ शब्द के पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थ शब्द भी होते हैं, परंतु भाव में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, समझे। जैसे मानिए जगत, संसार और जग, ये तीनों का मीनिंग्स सेम है, इसीलिए इसका ये पर्यायवाची शब्द है। निशा, निशा तो रात और रात्रि, ये तीनों का समान अर्थ है। तम तो अंधेरा, तिमिर, बीह, पक्षी, पखीरु, मौन तो मूक और निर्वाक। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मैंने और अर्थ आप लोगों को लिख दिया है, वाक्य आप लोगों को खुद बनाना है। ओके, जैसे जग का दो अर्थ संसार और जगना, वाक्य आप लोगों को खुद से बनाना है, संसार से और जगना से। तो नेक्स्ट यहाँ पे चाल, चाल का दो अर्थ चलने का ढंग और युक्ति। भाव तो कविता का भाव और मुद्रा। पर पंख और ऊपर, बाकी आप लोग खुद बनाए। आज तक के लिए इतना ही। ओके थैंक यू।